अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी, आज मैं बात करने जा रही हूँ हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के मुतालिक, यार इनके रिलेशनशिप के मुतालिक। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो है मतलब ये चीज़ बेहतर हो जाए, तो यार रिलेशनशिप यानी कि मतलब दोनों के अंदर जो है ना, दोनों नहीं मतलब किसी एक के अंदर जो है ना बर्दाश्त होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। जब दोनों में ही मतलब ये चीज़ें आपस में मिलती है ना, तभी आपका रिश्ता जो है ना बहुत अच्छे से चल सकता है। वरना तो मैं बोलती हूँ कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी कभी जो ना चीज़ों को, कभी कभी नहीं हर वक्त ही जो है ना यही कोशिश करनी चाहिए यार कि पॉजिटिव रहें और ना मतलब एक दूसरे को समझे। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझते, तो वो रिश्ता जो है ना बहुत ही कमज़ोरियों की तरफ यार जा रहा होता है। तो जितना ही मज़बूत रिश्ता होता है ना, मैं बोलती हूँ उतने ही कमज़ोर भी होता है। लेकिन इसको जो है ना बेहतर बनाने के लिए, इसको जो है ना मज़बूती की तरफ लाने के लिए जो है ना कुछ नहीं, आपको उसमें जो है मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत ये होती है कि यार आपको अपने हस्बैंड की, अपने जो मतलब आपके जो साथी है उसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो बदले में भी आपको वही चीज़ मिलेगी। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और अगर आप ना ये चीज़ें नहीं करेंगे, मतलब अगर आप जैसे कि आपके हस्बैंड आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उसको बेहतर, अपने रिलेशन को अच्छा रखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा तैयार करें, अपने घर को मतलब बिल्कुल क्लीन रखें, ताकि जब आने वाला बंदा जो है ना वो खुश हो। और ना मतलब नज़रिया ही चेंज हो जाता है देखने का कि यार ये बंदी जो ना, हाँ यार ये बंदी हर चीज़ को मैनेज कर रही है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जिसको देखकर चलने से जो है ना आपकी बहुत ही मतलब आपके रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। और इन चीज़ों पे जो है जब हम तवज्जा नहीं देते, तो यही चीज़ें जो है ना बहुत ही मसले क्रिएट कर देती है, आगे जाके बहुत ही मसले होने लग जाते हैं। तो यार ये जो है ना, ये जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये मेरी ज़िंदगी का ना बहुत ही बेहतरीन लम्हा है। और ना मतलब अपने बच्चों को सिखाने वाला बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि यार अल्लाह ताला जो है ना सबको ये लम्हा नसीब करे। और ये जो है ना बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो इंसान की ना ज़िंदगी में साथ चलने वाली है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सिखाया जाए अपनी औलाद को। तो यहाँ पर जो है ना फ्राइडे का दिन था, और मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं जो है ना बच्चों के दिलों में जो है ना इन चीज़ों की अहमियत ज़रूर डालें। यहाँ पर जो है ना मैं बस यही कोशिश कर रही थी कि इनको ना सिखाऊं। और जो मेरा दूसरा बेटा था ना, वो कोई बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुझे तंग कर रहा था, और मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि यार उसका जो है ना मैं क्या करूँ। क्योंकि ना उसको चाहिए था मुझसे फ़ोन, तो बार बार जो है ना मुझे बुला के कह रहा था कि मुझे मम्मा फ़ोन चाहिए, फ़ोन है वो बहुत ही छोटा सा। तो यहाँ पर जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिरयानी का मसाला बन चुका है, और ये घर के मसालों से बनी थी। जो चीज़ें मेरे पास घर में ही अवेलेबल थी, मैंने उन्हीं से ही इसको बनाया। ये कोई इतनी यार, इसका रंग शायद इतना वाज़े नहीं हो रहा, लेकिन ये दिखने में ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी, और खाने के बाद तो बहुत ही आला। यहाँ पर जो है ना, ये मैंने नहीं बनाई, हाँ मैंने हेल्प करवाई, ये सिर्फ हेल्प। और बनाया जो है मेरी छोटी सिस्टर ने। तो वो यहाँ पर जो है ना बिरयानी की तह लग रही थी, ये कोई बनने के बाद जो है ना इतनी मसालेदार बिरयानी लग रही थी ना। कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम जो है ना कह रहे होते हैं, हम मतलब मांग रहे होते हैं, और हमारी दुआएं जो है ना पता नहीं किस वक्त जो है ना कबूल हो जाती है, शायद हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी जो है ना मुंह से निकली हुई बात जो है ना कबूल हो जाती है, तो वो हमेशा जो है ना अच्छी अच्छी बातें निकालें। यहाँ पर जो है ना चावलों पर जो है ना कलर डाल रही थी मैं, चावल का ही बिरयानी का। और ये देखें कितनी मज़ेदार जो है ना बिरयानी जो है ना तैयार हो चुकी थी। और वैसे तो मेरा छोटा बेटा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाता मिर्ची वाले खाने, बहुत ही मतलब दूर भागता है, लेकिन जो है उन्होंने ये खाई चिकन के साथ, बहुत ही उनको मज़ा आया। क्योंकि बच्चों का यार यही होता है कि वो खाने के अंदर जो है ना या तो आलू ढूंढते हैं या तो वो गोटी ढूंढ रहे होते हैं।
और ना जब इंसान खुद बना रहा होता है ना, तो यार खाते वक्त जो है ना उसकी भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर कोई और बना कर दे ना तो फिर उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना अपनी गर्दन को जो है ना थोड़ा हल्का करा रहे थे, और मैं जो है ना उन पर बहुत ही ज़्यादा कोई हंस रही थी। इसके बाद जो है उन्होंने जो है ना मेरी वाट लगा दी, ये ज़रा चेक करना। तो बस ये हल्की फुल्की जो है ना ये मस्तियाँ चल रही थी। इसके बाद जो है ना उन्होंने इस जगह पर जो है ना मुझे बिठा दिया, क्योंकि मैं उन पर बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी। आई होप कि आप लोगों को जो है ना मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो यार इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अगर नए हो ना तो यार सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा, और ना आगे भी शेयर कर दीजिएगा। और अपना ढेर सारा जो है ना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।